अमरूद के बागवानों के लिए फल मक्खी एक बड़ी समस्या है। अमरूद के उत्पादन में फल मक्खी सबसे हानिकारक कीट है। विशेषकर वर्षा ऋतु में ये अत्यंत हानि पहुंचाती है। अमरूद का फल जब पकने के करीब होता है तो मादा उसकी सतह के नीचे गूदे में अंडे देती है। गूदे के अंदर ये अंडे लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं और यही लार्वा धीरे धीरे गूदे को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार फल मक्खी से ग्रसित फलों में सड़न शुरू हो जाती है और फल खाने योग्य नहीं रहता। फल मक्खी की संख्या जुलाई अगस्त में सबसे अधिक होती है। फल मक्खी अमरूद के उत्पादन को तो प्रभावित करती ही है, साथ ही अमरूद के निर्यात पर भी बुरा असर डालती है। अमरूदों में एक प्रमुख समस्या है फल मक्खी। फल आने के बाद उसमें एक मक्खी का प्रकोप होता है, वो उसमें बच्चा छोड़ती है और इससे हमारा अमरूद सड़ने लगता है, दाग पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा अमरूद खराब होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने बागवानों को फल मक्खी से निजात दिलाने के लिए काष्ठ निर्मित यौन गंध ट्रैप विकसित किया है। यौन गंध से नर मक्खी इस ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और कीटनाशक के प्रभाव में आने के कारण मर जाती है। यौन गंध ट्रैप को बनाने की विधि अत्यंत ही सरल है। इसके लिए प्लास्टिक की एक खाली बोतल 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर आकार का लकड़ी का गुटका, बोतल और लकड़ी के गुटके को लटकाने के लिए पतला तार, अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और मेलाथियन या अन्य कीटनाशक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले 6 भाग अल्कोहल में 4 भाग मिथाइल यूजिनॉल और 1 भाग मेलाथियन मिलाकर घोल तैयार करते हैं। घोल को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद लकड़ी के गुटके को घोल में कम से कम 48 घंटों के लिए डुबो देना चाहिए। बोतल के ऊपरी भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है और निचले भाग में गर्म छड़ की सहायता से चारों तरफ छेद किए जाते हैं। बोतल के ऊपरी भाग में ढक्कन के ऊपर गुटके को रखकर उसे तार में पिरोते हुए बोतल के दूसरे भाग में भली भांति बैठा दिया जाता है। इस प्रकार तैयार यौन गंध ट्रैप को तार की सहायता से बाग में लटका दिया जाता है। फल मक्खी पर नियंत्रण के लिए 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 5-6 फुट की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। अत्यंत सरल और प्रभावी होने के कारण ये तकनीक अमरूद के बागवानों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। हमारे यहाँ जैसा कि कटरी में अमरूद बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ हमारे बहुत प्रमुख समस्या थी फल मक्खी और इससे हमारा बहुत सा फल खराब हो जाया करता था, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, लॉस उठाना पड़ता था। तो इसकी शिकायत हमने लखनऊ के वैज्ञानिकों से की और उन्होंने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समाधान बताया, कि ट्रैप विधि, इसको उन्होंने बनाना बताया और इसको लगाने पर हमने देखा कि ये जो फल मक्खी की जो समस्या थी ये लगभग 80% तक कमी आई है। उपोष्ण फलों के उत्पादन, संरक्षण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में नई तकनीकों और आधुनिक उपायों के साथ
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।